लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच जंग में अल कसम ब्रिगेड का लगातार जिक्र हो रहा है। सवाल है कि ये अल कसम ब्रिगेड कौन है, क्या है और आखिरकार इस अल कसम ब्रिगेड ने इजराइल की हाईटेक आर्मी की नाक में किस तरह से दम कर रखा है। अब तो ये कहा जाने लगा है कि अल कसम ब्रिगेड इजरायली सैनिकों के लिए या फिर यूं कहें कि इजराइल के लिए काल बन चुका है। ये अल कसम ब्रिगेड ही है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर धावा बोला था और 200 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया था। कहा जा रहा है कि ये अल कसम ब्रिगेड ही लगातार इजराइल जो गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन कर रहा है उसको मात दे रहा है। गाजा में यहाँ पर जमीनी ऑपरेशन को लेकर इजरायली सेना को बार बार जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर अल कसम ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल रखा है। अब ये अल कसम ब्रिगेड क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन अल कसम ब्रिगेड यहाँ पर किस तरह से इजरायली दुश्मनों से लड़ रही है और उसके बाद कितनी तेजी से, रफ्तार से और चालाकी से वो टैंक के नीचे से निकल करके दुश्मन पर हमला तो बोलती है और उसके बाद दुश्मन सैनिकों को उठाकर अपने साथ सुरंगों में ले जाती है, इसका एक वीडियो सामने आया है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि अल कसम ब्रिगेड किस तरह से इजराइल की हाईटेक आर्मी को टक्कर दे रही है और इजराइल की आर्मी के लिए काल बनी हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर अल सईदी का ये ट्वीट देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमास के लड़ाके, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके टैंक के नीचे से निकलकर दुश्मन पर धावा बोल रहे हैं, यानी कि दुश्मन की नजर टैंक के ऊपर बैठे और टैंक के आसपास खड़े सैनिकों पर रहेगी, लेकिन उतने में ही टैंक के नीचे से निकलकर लड़ाके जो हैं वो उनका काम तमाम कर देंगे। यहाँ पर वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि सैन्य मीडिया ये मुजाहिदीन के गाजा की ओर बढ़ने पर इजरायली टैंकों के नीचे से उभरने का दस्तावेजीकरण करता है। उन्होंने उन्हें उड़ा दिया जो अंदर बैठे हुए थे, उनको पकड़ लिया और तेज गति से उन्हें सुरंगों के अंदर ले गए। आप वीडियो देखेंगे, ये 45 सेकंड का वीडियो है, तो आप ये सारी बातें समझ जाएंगे कि इस वीडियो में, इस ट्वीट में ये कहना क्या चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर आप समझेंगे कि टैंक के नीचे से जो लड़ाके हैं हमास के वो निकलते हैं और उसके बाद वो धावा बोलते हैं, हमला कर देते हैं दुश्मन पर और उसके बाद वो दुश्मन सैनिक को अपने साथ सुरंग में ले जाते हैं। ये वही सुरंग है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस सुरंग को इजराइल जो है वो दूर दूर तक भाप भी नहीं सकती और इसमें क्या है, क्या होने वाला है, क्या होता है, इसका अंदाजा भी लगा पाना बेहद मुश्किल है या फिर यूं कहें कि नामुमकिन है। अब यहाँ पर वीडियो का पहला हिस्सा आप देखिए जिसमें आप देखेंगे कि टैंक के नीचे से जो है वो हमास के लड़ाके, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके निकलते हैं और दुश्मन पर धावा बोल देते हैं। देखिए तस्वीरें। अब आपको वीडियो का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। इस दूसरे हिस्से में आप देखेंगे कि हमास के लड़ाके किस तरह के ट्रिक अपना रहे हैं और चारों तरफ से दुश्मनों को घेर रहे हैं। उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते दुश्मन कि वो कहां से निकलेंगे, कब निकलेंगे और कैसे हमला करेंगे। ये अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके हैं। अल कसम ब्रिगेड हमास की मिलिट्री विंग है जिसने सभी की नाक में दम कर रखा है, खास करके इजरायलियों की नाक में दम कर रखा है। देखिए वीडियो। यहाँ आपने वीडियो देखा, अभी आखिर का वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें आप समझेंगे कि जो सुरंगों में ले जाने वाली बात कही है वो किस तरह से ये कर रहे हैं। ये टैंक के नीचे से निकलकर धावा बोल रहे हैं सामने वाले पर, अपने दुश्मन पर। उसके बाद ये दुश्मन को घायल करते हैं, दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके बाद ये दुश्मन को तेजी से सुरंग में ले जाते हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से सैनिकों को एक के बाद एक अपने साथ सुरंग के अंदर ले जा रहे हैं। देखिए वीडियो। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अल कसम ब्रिगेड ने इजराइल की सेना की नाक में दम कर रखा है। न्यूज 18 की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें आप देखेंगे
कि साफ साफ अब कहा जा रहा है कि जो जमीनी ऑपरेशन इसराइल की तरफ से एक के बाद एक गाजा पट्टी पर किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से विफल हो रहे हैं और इसराइल की सेना को झटका लग रहा है। इससे पहले भी जो गाजा पट्टी पर जमीनी ऑपरेशन करने की कोशिश की उसको भी अल कासम ब्रिगेड की आर्मी ने विफल कर दिया और यहां पर एक बार फिर से उनके जमीनी ऑपरेशन को झटका लगा है। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ न्यूज की हेडलाइंस देख रहे हैं जिसमें लिखा है इसराइल के जमीनी ऑपरेशन को झटका लगा है, गाजा में इसराइल की सेना पर हमला हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले तो छुपाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन अब यह बात जब जाहिर हो गई है कि जो जमीनी ऑपरेशन गाजा पट्टी में कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फेल हो रहा है और इसी के साथ इनकी आर्मी पर यानी कि इसराइल की सेना पर गाजा पट्टी में हमले हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों का वार है यानी कि अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर गाजा पट्टी में हमला किया है। हमास की मिलिट्री विंग है अल कसम ब्रिगेड जिसने इजरायल की सेना की नाक में दम कर रखा है। जंग में चुनौती बनी हुई है अल कसम ब्रिगेड इजरायल की हाईटेक आर्मी के लिए या फिर यूं कहें कि सिरदर्द बनी हुई है। इसराइल की हाईटेक आर्मी अल कसम ब्रिगेड को छू भी नहीं पा रही है। यहां पर कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इसराइल के जमीनी ऑपरेशन को अल कसम ब्रिगेड ने झटका दे दिया है। हमास की अल कसम ब्रिगेड पर कई तरह के आरोप हैं जैसे कि 7 अक्टूबर को दावा किया जाता है कि 7 अक्टूबर को जो हमला इसराइल पर किया गया था वो अल कसम ब्रिगेड हमास की मिलिट्री विंग ने ही किया था। यहां पर कहा गया कि 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाने का आरोप भी अल कसम ब्रिगेड पर है। 7 अक्टूबर को अल कसम ब्रिगेड के हमलों में 1400 लोगों के मारे जाने की बात यहां पर कही जा रही है। हालांकि गाजा में जो लगातार बमबारी इजराइल की तरफ से हो रही है उसकी संख्या और इसकी संख्या में जमीन आसमान का फर्क है क्योंकि वहां पर हर दिन जो है वो हजारों लोगों की जान जा रही है या फिर यूं कहें कि हजारों बच्चों की जान जा रही है। कुछ बच्चे जिन्होंने दुनिया में अपने 10 दिन भी पूरे नहीं किए, एक दिन भी पूरा नहीं किया, उन बच्चों की भी जो है वहां पर जाने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हमास ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था और इसके पीछे जो है वो पूरी की पूरी अल कसम ब्रिगेड आर्मी है, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस खबर में आप समझ रहे हैं कि अल कसम ब्रिगेड इसराइल की सेना के लिए किस तरह से सिरदर्द बनी हुई है और इसराइल की सेना के पास अल कसम ब्रिगेड के लिए कोई काट नहीं है। यही वजह है कि अल कसम ब्रिगेड लगातार इसराइली सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और हार का मजा भी चखा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर यह हेडलाइन देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि इजरायली सेना के लिए काल बनी हमास की कसम ब्रिगेड। अब ये कसम ब्रिगेड इसकी खूबियां क्या है कुछ इस पर भी बात कर लेते हैं। यहां पर आपको बता दें कि अल कसम ब्रिगेड गाजा के सबसे बड़े और सबसे सुसंगठित सशस्त्र समूह के तौर पर जानी जाती है। कसाम का सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ और डिप्टी कमांडर मार्वन झसा है। कसाम ब्रिगेड अपने गठन के बाद से ही इजरायली के खिलाफ हमलों को अंजाम देता रहा है। 2002 में अल कसम ब्रिगेड को बड़ी सफलता भी मिली थी। बताया जाता है कि CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार कसाम ब्रिगेड में 20 से 25 हजार मेंबर हैं। ब्रिगेड के सदस्यों की संख्या कई अलग अलग दावे भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल कसम ब्रिगेड की क्या ताकत है। साथ ही कहा जाता है कि अल कसम ब्रिगेड के पास बंदूकें, हथगोलों के अलावा रॉकेटों की बड़ी खेप की बात कही जाती है कि उनके पास ये सारी चीजें जो है वो हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल कसम ब्रिगेड इजरायली सेना को किस तरह से मात दे रही है और लगातार जो है उनको पछाड़ रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस तरह से अल कसम ब्रिगेड ने इजरायली सेना की नाक में दम कर रखा है और अल कसम ब्रिगेड इजरायली सेना के लिए काल बन चुकी है, इसे लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। सच सबसे आगे।